रिलेटेड प्रोविजंस पे बाजार की नजर रहेगी और जिस वजह से बाजार स्टॉक में थोड़ा प्रेशर नजर आ रहा है उसका भी एक कारण ये है क्योंकि एनपीए थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद कर रहा है सिक्वेंशियली और इसीलिए हमने स्टॉक में थोड़ी प्रेशर देखी। इसके साथ ही मंडे को ऑफकोर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के अर्निंग्स आएंगे और इस हफ्ते हमने देखा है कि यूनिलीवर ग्लोबल जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का पेरेंट है उनके सीईओ ने इमर्जिंग मार्केट्स की जो कमेंट्री आई उसके बाद हमने इस स्टॉक में एटलीस्ट थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखी और साथ ही ऑफकोर्स क्वार्टर थ्री नंबर्स भी आएंगे मंडे को। नवनीत के पास चलते हैं और डिटेल्स जानने के लिए। सही कहा आपने, हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने थर्ड क्वार्टर नंबर्स डिक्लेयर करेगा मंडे को और अगर इस बार एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस देखें तो नंबर्स बहुत ही सबड्यूड ही दिख रहे हैं। टॉप लाइन ग्रोथ होगी करीबन 12% जो कि ईटी नाउ पोल सजेस्ट कर रहा है। प्रॉफिट इस बार कुछ 944 करोड़ के करीब आ सकता है और मार्जिन थोड़ा प्रेशर में आ सकते हैं। हमारे पोल के अकॉर्डिंग मार्जिन 16.36% है जो कि करीबन 50 से 60 बेसिस पॉइंट की गिरावट हो सकती है यहाँ पर और एनालिस्ट इस बार वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही क्लोजली देखेंगे। एक्सपेक्टेशन है वॉल्यूम ग्रोथ की करीबन 4 से 5% की पर हमने देखा कि पेरेंट कंपनी यूनिलीवर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर्स जो डिक्लेयर किए थे उसमें आउट परफॉर्मेंस एक्चुअली देखने को मिली जहां की इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म किया है। तो कुछ सरप्राइजेस देखने को मिल भी सकते हैं क्योंकि पेरेंट के नंबर्स अच्छे थे लेकिन एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन है 4 से 5% की वॉल्यूम ग्रोथ और बॉटम लाइन देखें प्रॉफिट फिगर हायर टैक्स रेट अदर ऑपरेटिंग इनकम इस बार थोड़ा कम होगा जिसकी करके प्रॉफिट में थोड़ी प्रॉफिट्स इंपैक्ट होंगे और मार्जिन्स क्योंकि कॉस्ट प्रेशर्स रहे हैं करेंसी फ्लक्चुएशन के करके तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। पर्सनल प्रोडक्ट सेगमेंट में मार्जिन्स की गिरावट हो सकती है क्योंकि इस बार विंटर कुछ डीले हुआ था जिसकी वजह से जो सेल्स है स्किन केयर प्रोडक्ट्स की वो कम रही है थर्ड क्वार्टर में जैसा कि एनालिस्ट ने इंडिकेट किया है। ओवरऑल नंबर सबड्यूड ही रहेंगे। स्टॉक देखें तो थर्ड क्वार्टर में 9% की गिरावट हुई है और ये करीबन 32 टाइम्स पीई मल्टीपल्स पे ट्रेड करता है। की थिंग जो वॉच आउट करने को होगी मैनेजमेंट की तरफ से वो है कॉमेंट्स ऑन वॉल्यूम ग्रोथ और डिमांड एनवायरमेंट जो कि वीक रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। राइट, थैंक्स फॉर दैट नवनीत। चलिए भारती की बात करते हैं। उस स्टॉक में हमने थोड़ा प्रेशर देखा जब से रिलायंस जियो ने वॉइस सेगमेंट में एंट्री की खबर दी है। बाजार में एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिडिंग ऑक्शन प्राइस बिडिंग की उम्मीद बढ़ गई और जिसकी वजह से हमने भारती के स्टॉक में थोड़ा प्रेशर देखा कुछ दिनों। बट थर्ड क्वार्टर अर्निंग्स की बात करें तो करीब 4 से 5% डोमेस्टिक बिजनेस ग्रो करना चाहिए क्योंकि 2 से 3% ट्रैफिक ग्रोथ हमने देखा है। अफ्रीका रेवेन्यूज पे बाजार हमेशा नजर बनाए रखता है, इस बार हमें उम्मीद है 3% डॉलर टर्म्स वहां ग्रोथ देखने को मिलेगी। और कंसोलिडेट मार्जिन की बात करें तो करीब 32.5% के आसपास मार्जिन होने चाहिए जो कि करीब 0.5% इंक्रीज है और अगर ऐसा आता है तो शायद बाजार एक बार परफॉर्म करेगा। स्टॉक प्राइस बाजार में ऑलरेडी शॉर्ट पोजिशंस काफी बिल्ट इन हो चुकी हैं इस स्टॉक में। और अगर ऑटो स्पेस पे फोकस करें ऑफकोर्स हीरो मोटोकॉर्प और मारुति सुजुकी दोनों के नंबर्स आएंगे और दोनों ही कंपनीज के लिए ग्लोबल बिजनेस इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो सेल्स एक्सपेक्टेड है कि 12% से इंक्रीज होंगी, नेट प्रॉफिट्स जो है वो 25% से इंक्रीज हो सकते हैं और 610 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। दो फैक्टर्स रहेंगे इसमें जो ये हम प्रॉफिट जंप देख रहे हैं, एक तो है वॉल्यूम जो वॉल्यूम ग्रोथ है कंपनी की एक वो और दूसरा जो करेंसी वीकनेस है वो भी एक्सपोर्ट मार्केट में एटलीस्ट फेवर करेगा हीरो मोटोकॉर्प को। अब मारुति की अगर बात करें यहाँ पे सेल्स रिलेटिवली फ्लैट देखने को एक्सपेक्टेड है लेकिन प्रॉफिट्स में 42.5% का जंप एक्सपेक्टेड है। एक बार फिर यहाँ पे करेंसी का फैक्टर आएगा क्योंकि जो हमने येन में जो जापानीज करेंसी येन है उसमें जो वीकनेस देखी है उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिट्स को बूस्ट हो सकता है। अगर मेटल स्टॉक्स की बात करें तो सेसा स्टरलाइट और जेएसपीएल अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। सेसा स्टरलाइट में इस बार लाइक टू लाइक कंपेरेबल्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि सेसा गोवा और स्टरलाइट का मर्जर हो चुका है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें तो करीब 19,000 करोड़ के आसपास टॉप लाइन रहनी चाहिए और 1500 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट। मार्जिन्स हाउएवर मार्केट क्लोजली देखेगा तो 36% के मार्जिन्स की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा केन के रिजल्ट के बाद हमने ऑलरेडी एक क्लेरिफिकेशन दिखाया है कि अभी हिंद जिंक को सेसा स्टरलाइट से मर्ज करने का कोई प्लान नहीं है। शायद इसका फॉलो अप कमेंट्री हमें सेसा स्टरलाइट के रिजल्ट्स के साथ भी मैनेजमेंट से मिल सकता है। अगर जिंदल स्टील की बात करें तो करीब 5100 करोड़ की बात कर रहे हैं हम टॉप लाइन, बहुत मार्जिनल इंक्रीज है लास्ट टाइम राउंड, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ी हमें 150 करोड़ का बीट दिख सकता है लास्ट प्रॉफिट से क्योंकि मार्जिन्स में हमें उम्मीद कर रहे हैं कि करीब 1% तक की इंक्रीज आ सकती है। वॉल्यूम्स कंपनी काफ़ी अच्छा क्लॉक कर रही है 4 से 5% 20% ग्रोथ में,
तो उसका शायद इम्पैक्ट हमें प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलेगा. ओके, तो बहुत सारी निफ्टी कंपनीज की अर्निंग्स ऑफ कोर्स लाइन अप है अगले हफ्ते के लिए. लेकिन अब चलते अपने एक्सपर्ट्स के पास एक बार फिर. और विरल, अगर हम थोड़ा लॉन्गर टर्म से बात के बारे में बात करें और इन्वेस्टमेंट थीम्स के बारे में बात करें, आप क्या रेकमेंड करेंगे? आई थिंक मिड कैप में अगर आपको कुछ देखना है तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है. अभी 28 जनवरी को उनका रिजल्ट भी है, तो आई थिंक लुकिंग एट द लास्ट, अपने लास्ट 6 महीने के रिजल्ट देखेंगे तो दे हैव डन फिनोमिनली वेल. क्योंकि अगर आयना का एक कंसर्न था कि उनके रॉ मटेरियल की वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन को हिट होगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट दे एबल टू, उन्होंने 3-4% प्राइस इंक्रीज किया उनके प्रोडक्ट में, तो वो कंपनसेट हो गया जो उनका रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हुआ था. तो उसकी वजह से उनका 140 बेसिस पॉइंट्स उनका इनफैक्ट ऑपरेटिंग मार्जिन ऊपर आए हैं. तो अभी लगता है कि आई थिंक वो कंटिन्यू करना चाहिए, 17-18% का ऑपरेटिंग मार्जिन रहना चाहिए. और लुकिंग और यू नो अभी वो जीरो डेट कंपनी है, लेवरेज बैलेंस शीट पर नहीं है, गुड क्वालिटी मैनेजमेंट, तो आई थिंक पीडीलाइट डेफिनेटली स्कोर्स मच बेटर मिड कैप आइडियाज में. राइट पुनीत, आपके हिसाब से चार्ट्स पे किस तरह के ट्रेड्स नजर आ रहे हैं जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे अगले हफ्ते के लिए? देखिए, आज हमने देखा है कि रुपए पे प्रेशर देखने को मिला है, तो बैंकिंग शेयरों पे प्रेशर आया, ऑटो पे प्रेशर आया, फाइनेंस के ऊपर प्रेशर आया. तो जहां पर स्ट्रेंथ आएगी वहीं पर स्ट्रेंथ आएगी, जहां पे रुपी वीक होने से जिन कंपनीज को फायदा है, ऐसी कंपनियां या तो आईटी सेक्टर में है या फार्मा सेक्टर के अंदर है. और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक अगर रिकवरी भी आती है तो आईटी और फार्मा सेक्टर लीड करेंगे. आईटी सेक्टर के अंदर मुझे टीसीएस अच्छा लगता है, 2249 पे बंद हुआ है, 2320 से 2350 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 2200 का डेली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के. दूसरा लुपिन भी काफी अच्छा है, आज लास्ट के हाफ एन आवर में इसमें एक अच्छा इंट्राडे चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, मेरे ख्याल से 913 रुपए के आसपास बंद हुआ है. लुपिन को बाय कर सकते हैं, 927 का पहला टारगेट और 935 रुपए का दूसरा टारगेट, नीचे 900 रुपए का डेली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के रखें. ओके, ये तो एक्विटी मार्केट्स का हाल था, बट अब कमोडिटी सेगमेंट पे भी फोकस करते हैं और कुछ ट्रेडिंग पिक्स लेते हैं दानी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के कौशल जैनी से. गोल्ड एक अच्छी खासी रैली में आ चुका है, हमारे हिसाब से गोल्ड में तेजी बरकरार रहेगी, बाय ऑन डिप्स की एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनती है गोल्ड में. हमारे हिसाब से गोल्ड की एक रेंज है अगले हफ्ते 29,100-29,600 ऊपर में, ये रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है. और डिप्स आती है तो बाय करने में अच्छी एक स्ट्रेटेजी बनती है, और ऊपर में 29,600 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स देखे जा सकते हैं. हमारे हिसाब से क्रूड में बाइंग ऑन डिप्स बनती है, डोमेस्टिक एक्सचेंज में 6,000 एक मेजर सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में 6,300-6,400 के लेवल्स देख सकते हैं अगले वीक के लिए. Thanks very much, Kaushal, for getting us those commodity strategies. Aur isi ke saath, we've come to an end of Bazaar agle hafte. So thanks very much, Viral and Puneet, for joining in. Ji haan, Bazaar agle hafte ke is show mein itna hi. Megha aur meri taraf se, thanks very much for watching. Goodbye.